जय माता दी दोस्तों, चलो आपको मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के दर्शन कराते हैं। हरिद्वार के बाजार दोनों तरफ बहुत जबरदस्त पूजा पाठ प्रसाद सबकी दुकानें, और आप आराम से यहाँ बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं भी होती हैं जो रीजनेबल कॉस्ट पे आपको मिल सकती हैं। तो आप आइए और देखिए इनको। यहाँ से आगे मेन चौक तक ये बाज़ार है जहाँ से गाड़ियाँ बंद की जाती हैं, तो अगर आपको अंदर आना है तो आपको यहाँ रिक्शा से या पैदल आना पड़ेगा। फोर व्हीलर मतलब हैवी व्हीकल्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ फोर व्हीलर्स अलाउड हैं और फोर व्हीलर्स रेड लाइट तक अलाउड हैं, बाकी उसके बाद आप यहाँ पे रिक्शा से आ सकते हैं। और हर तरीके की दुकान देखें, लोगों को गिफ्ट देने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए। और ये जाट धर्मशाला है, तो इसी तरीके की धर्मशाला आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको ट्रॉली। तो दोस्तों पूरा बाज़ार क्रॉस करके आधे बाज़ार के बाद आपका यहाँ मनसा देवी प्रवेश द्वार है। इसकी ये टावर की आइडेंटिफिकेशन है, तो यहाँ से आपको ट्रॉली के लिए जाना होगा। यहाँ से आपको ट्रॉली का टिकट लेना है और ट्रॉली का इंतज़ार करेंगे। आइए आपको लेके चलते हैं। तरीके का प्रसाद मिलता है माता जी का, और ये ट्रॉली की लाइन है, तो हम लोग लगे हुए ट्रॉली में। यहाँ दोनों तरफ के पैकेज मिलते हैं, ऊपर जाने का नीचे जाने का। ये ऊपर से ऐसे आते हैं और बस बैठिए और जब करके जाइए, माता जी के दर्शन करिए। बाकी माँ मनसा देवी भैया मनसाएँ पूरी करने वाली हैं, और ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा। आइए आपको लेके चलते हैं। तो ये देखिए, बैठिए और जाइए, माता जी के दर्शन करते हैं। ऐसे आती हैं, रोटेट करती हैं और यहाँ से वापस जाती हैं। तो भाई देखिए कितना कितना अच्छा है सब यहाँ पे अरेंजमेंट। तो सील करके भेजते हैं, आएंगे और ये भेजेंगे। फैसिलिटीज है, जो लोग चढ़ नहीं सकते हैं, जो लोग जा सकते हैं जिनके पास समय की कमी है, वो अपना ट्रॉली में बैठे और जाएं अच्छे से। तैयारों में माता जी के दर्शन जाने के लिए, जय माता दी। और ये शायद लग रहा है लाइन में जाएंगे, तो शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए रास्ते में, अभी रास्ते के नज़ारे में आपको दिखाऊंगा।
अभी हमारा नंबर आने वाला है। अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है हम लोगों को, जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा हम लोग चलेंगे मनसा देवी भैया के दरबार में दर्शन करने के लिए। और ये देखिए, बोलो सच्चे दरबार की जय। अरे चल दिए, बहुत बढ़िया। धीरे 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 हम लोग ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। आप मेरे पीछे बैक कैमरे में देख सकते हैं, तो दिस इज वंडरफुल। आपको बाहर के नज़ारे दिखा था। देखिए पैदल चढ़ने वालों का रास्ता है, तो आप पैदल भी आराम से जा सकते हैं यहाँ से। और पूरा हरिद्वार नीचे देखिए, ये रास्ता है जहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रास्ता है, बट समय के अभाव के वजह से हम इस तरीके से जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं पीछे कितना सुंदर सब चीज़ें हैं। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं पैदल ही गया था, और बड़ा अच्छा लगता है। बट आज हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो इसलिए हम ने सारा लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स का। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हरिद्वार जी के दर्शन बहुत सुगम होते जा रहे हैं। दोनों तरफ से, उधर से आ रहे हैं और इधर से जा रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर और अद्भुत नज़ारा, बहुत सुंदर। थोड़ा सा धुंध होने की वजह से क्लैरिटी कम है, बट ये देखिए ये पैदल रास्ता, हाथ के हाथ यहीं से ऊपर, बस इसी रास्ते से ऊपर से ये सुविधा बनाई गई है कि देखिए हम जा रहे हैं उधर। एक या दो मिनट का मुश्किल से टाइम लगता है और हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये रास्ता है और ये मंदिर पहुँचने वाले हैं। जय माता दी। हम लोग पहुँच गए। एक मिनट से कम के समय में हम लोग पहुंच गए हैं। जय माता दी। अच्छा रास्ते इधर से, तो ये हम लोग पहुंच गए हैं मनसा देवी मंदिर में। ये ट्रॉली लेके आई थी, सो जय माता दी। अब रास्ता इधर से, यहाँ से मंदिर का रास्ता, डायरेक्शंस लगी हुई है इधर से, डायरेक्शंस लगी हुई हैं। और ये कंट्रोल सेंटर, और ये जा रहे हैं हम माता जी के दरबार में, माँ मनसा देवी, मनसा पूरी करे इच्छा। जय माता दी। तो बहुत साल बाद आज माता जी ने अपने दर्शनों के लिए बुलाया है, तो आज बहुत ही शुभ दिन है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिकॉज मेरी वीडियोस में आपको ऐसी जगह, माता जी की जगह और बहुत अच्छी जगह दर्शन मिलते रहेंगे। और मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि चीज़ें मैं कराता रहूँ, तो बड़ा अच्छा है सब, बहुत सुंदर है और बहुत मैनेज्ड है, वेल मैनेज्ड है। तो उसी पैसे चढ़ा देंगे, पैसे चढ़ा।
तो ये सब ये फिर यहाँ से निकल तो आप मंदिर का रास्ता यहाँ से, और आप प्रसाद अगर लाना भूल गए तो प्रसाद की दुकानें ऊपर भी हैं, यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है माता जी के दरबार के अद्भुत नज़ारे, और प्रसाद आप ज़रूर ले लें अगर आप भूल गए। माता जी को अलग 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 तरह के फूल और चीज़ें चढ़ती हैं, तो आप ये प्रसाद की दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पे, तो आप प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं। रख दीजिए अंदर के जूते को। तो हमने प्रसाद ले लिया है गाइस, हमने मनसा देवी जी का प्रसाद लिया, और यहाँ से मंदिर का एंट्रेंस है। मेरे ख्याल से अंदर अलाउड नहीं है कैमरा ले जाना, तो मैं यहीं तक आपको दर्शन कराऊंगा। यहाँ से आगे का मैं वापसी में बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस है। जय माता दी। तो दोस्तों माता जी के दर्शन हो चुके हैं, माँ मनसा माई के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे सुंदर दर्शन। खाली है, बिल्कुल खाली था मंदिर, बिल्कुल खाली है मंदिर, तो बहुत ही प्यारे दर्शन। और अंदर के दर्शन में इसलिए नहीं करा पाया क्योंकि अलाउड नहीं था, तो हम जिस ट्रॉली से वापस आए थे उसी ट्रॉली से हम जाएंगे। और तो दोस्तों वापसी की जर्नी शुरू हो गई है, और ये नज़ारे देख सकते हैं आप कितने सुंदर हैं, और ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लोर विद दीपक आनंद शर्मा के एफर्ट से आप लोगों को मिल रही है। थैंक यू सो मच। माँ मनसा मैया की जय। दोस्तों मेरा ये हरिद्वार जी का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद से कि मैं आपको जो दिखाना चाहता था वो मैंने दिखाया। तो पसंद करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आगे शेयर करिए, एंड कीप योर ब्लेसिंग्स। जय माता दी, जय गंगे मैया।